रोहित विराट के बारे में इस दिग्गज ने ये कहकर मचा दी सनसनी। सुनकर प्लेयर्स का टेंपर हो जाएगा हाई, फैंस को भी आ जाएगा गुस्सा। तीन युवा प्लेयर्स का T20 में कराना चाहते हैं डेब्यू। इस प्लेयर को बनाना चाहते हैं T20 टीम का स्थायी कप्तान। IPL के 16वें सीजन में कुछ युवा प्लेयर्स का बल्ला क्या चला, पूर्व क्रिकेटरों के स्वर ही बदल गए। टीम इंडिया के स्टार प्लेयर्स को बेइज्जत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के रिप्लेसमेंट पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इनमें तीन युवा प्लेयर्स का नाम खासतौर से चर्चा में। इनको रोहित और विराट के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में एक दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के खिलाफ बयान देकर सनसनी मचा दी है। इसको सुनने के बाद खुद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेंपर हाई हो जाएगा। यही हाल फैंस का भी है। जब से ये बयान दिग्गज पूर्व क्रिकेटर का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे आखिर दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में कौन सी बड़ी बात कही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ये दिग्गज पूर्व क्रिकेटर कौन है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि IPL 16 में युवा प्लेयर्स ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, लेकिन ये कोई पहली बार IPL में नहीं हो रहा, बल्कि हर साल कई युवा खिलाड़ी IPL के दरवाजे से टीम इंडिया में एंट्री करते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब युवा खिलाड़ियों को पाकर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का अजब गजब बयान सामने आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला जाना है, उस टूर्नामेंट के लिए कैसी टीम इंडिया उतारनी चाहिए, इसे लेकर पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने बड़ी बात कह दी। शास्त्री का मानना है कि अब समय आ चुका है कि टीम इंडिया T20 में विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे बढ़े और युवा खिलाड़ियों को फौरन टीम में मौका मिले। रवि शास्त्री ने ESPN क्रिक इन्फो के शो पर कहा, IPL के बाद जो भी पहली T20 सीरीज टीम इंडिया खेले उसमें युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को तुरंत मौका दिया जाना चाहिए। रोहित और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी खुद को साबित कर चुके हैं, वो क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मैं अब युवा खिलाड़ियों के साथ जाना चाहूंगा ताकि विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए तरोताजा रहे। हालांकि जब शास्त्री से ये सवाल पूछा गया कि अगर रोहित कोहली और KL राहुल जैसे खिलाड़ी T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, रवि शास्त्री ने इस सवाल के जवाब में कहा, 2024 T20 विश्व कप में अभी एक साल से अधिक समय बचा हुआ है। टीम इंडिया में सिलेक्शन का पैमाना सिर्फ वर्तमान फॉर्म में होना चाहिए। एक साल लंबा समय होता है, प्लेयर्स फॉर्म में हो सकते हैं या उनका फॉर्म जा सकता है। टीम चुनने में अनुभव फिटनेस भी मायने रखता है। इस समय कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में, किसके प्रदर्शन में निरंतरता है, कौन रन बना रहा है, इन सब पहलुओं को भी देखना होगा। शास्त्री का ये भी मत है कि हर पोजीशन के लिए स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को चुना जाना चाहिए। किसी भी खिलाड़ी को उस रोल में जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए जो उसने पहले नहीं निभाया है, और टीम में बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाजों का अच्छा मिश्रण भी जरूरी है, क्योंकि IPL में जिस भी टीम के पास ऐसा संयोजन है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रवि शास्त्री ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या को T20 में टीम इंडिया का परमानेंट कप्तान बनाने की वकालत की। उनका मानना है कि हार्दिक ने जिस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम तैयार की है उसे देखकर लगता है कि वो टीम इंडिया के लिए भी सही लोगों को सही पोजीशन के लिए चुन सकते हैं। पूर्व भारतीय कोच के मुताबिक हार्दिक की गुजरात टाइटंस टीम को देखकर आप समझ सकते हैं हार्दिक ने हर नंबर के लिए खिलाड़ी तय कर रखे हैं और वो इसी सोच के साथ टीम इंडिया को T20 में आगे ले जा सकते हैं।